फ्रेंड्स, मैं अनीता गिहोत्री अपने चैनल ट्रिपल ए डिलाइट्स में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर ट्रिपल ए डिलाइट्स होली स्पेशल में बनाएंगे गल्फियाँ। पर उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल ट्रिपल ए डिलाइट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज उसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो गल्फियाँ बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है हम देख लेते हैं। हमें चाहिए आधा किलो मैदा, यहाँ पे एक चुटकी हमने बेकिंग पाउडर लिया हुआ है, एक चौथाई कप घी चाहिए मोइन के लिए हमें। मैं फिर से बोलूंगी कि जितना हम मैदा लेते हैं उसका एक चौथाई भाग हमें मोइन के लिए चाहिए होता है। थोड़ा सा गुनगुना पानी चाहिए, बहुत मामूली सा, बिल्कुल हमने गुनगुना पानी करके रखा हुआ है मैदा गूंथने के लिए। और क्योंकि ये मीठी बनती है तो उसके लिए हमें चाशनी भी बनानी होगी, जिसके लिए हम आधा किलो मैदा में 400 ग्राम हमने चीनी ली हुई है और 300 ml हम पानी का यूज करेंगे चाशनी बनाते समय। तो सबसे पहले हम मैदा को गूंथ के रख लेते हैं। सबसे पहले मैदा में ये बेकिंग पाउडर हम डाल देंगे। बेकिंग पाउडर डालने के बाद में पहले इस तरह से एक बार मिला दें मैदा में, उसके बाद इस तरह से बीच में थोड़ा सा स्पेस करके हम इसमें ये जो मोइन हमें डालना है, घी डालना है, ये हम इसमें डालेंगे। धीरे धीरे करके इसको पूरे मैदा में इस तरह से अच्छे से मिलाएंगे। अब हम दोनों हाथों की मदद से पहले एक से दो मिनट के लिए इसको थोड़ा अच्छे से एकदम रगड़ लेंगे। देखिए इस तरह से हर साइड से पूरा जितनी भी मैदा इधर है हम सारी लेके इस तरह से इसको रगड़ेंगे। देखिए इस तरह से दो मिनट रगड़ने के बाद में हम मोइन इसमें परफेक्ट है कि नहीं इस तरह से चेक कर लेंगे। इस तरह से मैदा को लेके हाथ में हम बांधेंगे तो अगर ये मैदा बनने लगेगी, बाइंडिंग होने लगेगी, तो इसका मतलब मोइन इसमें ठीक है। अब हम इसको हल्का हल्का सा पानी डाल के टाइट करके गूंथ के रखेंगे। होली में फ्रेंड्स ये सब नाश्ते जब हम लोग घर में बनाते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं और काफी टेस्टी बनते हैं ये सब। घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको तो बेहद पसंद आते हैं ये नाश्ते। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको टाइट करके एकदम गूंथूंगी। साइड से पूरा जितनी भी सूखी मैदा है सब ले लेंगे ताकि पानी भी ज्यादा ना हो पाए इसमें और गीली भी ना हो पाए मैदा। देखिए इस तरह से ये टाइट करके हमने मैदा को गूंथ के रख लिया है। अब हम इसको 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि मैदा हमारी अच्छे से सेट हो जाए। 20 मिनट हो चुके हैं और मैदा भी सेट हो गई है, पर गल्फियां बनाने से पहले हम उसके लिए चाशनी बना के रख लेते हैं। तो ये हम इसमें 400 ग्राम चीनी हम डाल देंगे कढ़ाई में और ये 300 ml पानी हमने मेजर करके रखा हुआ है ये हम इसमें डाल देंगे। और हमें एक पैक की चाशनी चाहिए तो अब हम इसको बनाएंगे। एक तरफ जब तक चाशनी बन के रेडी हो रही है हम इसको थोड़ा सा और चिकना कर लेते हैं मैदा को। इस तरह से हम इसको अच्छे से रगड़ के एकदम चिकना कर लेंगे। मैदा अच्छे से एकदम सेट हो गई है, चाशनी बन के रेडी होगी। हम इसकी गल्फियां बना के रखेंगे क्योंकि हमें उसको फिर पहले तलना होगा, उसके बाद में हम उसको चाशनी में डालेंगे, तो इसलिए तब तक हम एक प्लेट में ये बना बना के रखेंगे। ये देखिए मैदा अब एकदम अच्छे से सेट हो गई है। देखिए एक तार की चाशनी बन के रेडी हो गई है। थोड़ी सी चाशनी हमने इसमें ली है, इसको हम हाथ में करके
ये देखिए इस तरह से हम इसको करेंगे। ये देखिए इसमें बन रहा था, तो इसका मतलब ये चाशनी हमारी बन के परफेक्ट है। अब हम इसको साइड से रखेंगे और थोड़ा सा ऑयल इसमें दूसरी गैस पे हम रख देंगे गर्म होने के लिए। तब तक हम गल्फियां बना के रखेंगे। देखिए गल्फियां बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह से हम एक लोई लेंगे आटे की, मैदा को इस तरह थोड़ा सा गोल गोल घुमा के सिंपल, जैसे हम जितनी पतली हम रोटी बेलते हैं उस तरह से हमें इसको बेलना है। चारों तरफ से हम इसको इस तरह से बेलेंगे ताकि ये कहीं भी ज्यादा मोटी और ज्यादा पतली ना हो पाए। सिंपल हमें रोटी जितना, जिस तरह से हम रोटी जितनी पतली रखते हैं उसी तरह से हम उतना पतला करके इसको बेलेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसको रोटी की तरह बड़ा सा बेल लिया है काफी। अब हम कटोरी लेंगे, हमें इस टाइप की कटोरी लेनी है जिसकी किनारी हो, ताकि अभी हम इसको इस तरह से जब कट करेंगे तो आसानी से कट जाए। आपके पास कोई छोटी सी कटोरी हो या फिर आप किसी चीज का ढक्कन अगर आपको मिल जाए जिसकी किनारी अच्छी हो तो आप यूज कर सकते हो। देखिए इस तरह से गोल गोल रख के हम किनारे किनारे से इसको कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल पास पास लेते हो, बहुत दूरी पे हमें नहीं करना है, और हम इसको गोल गोल करके पूरे उसमें कट कर लेंगे। ये पूरे उसमें हमने इस तरह से गोल गोल करके पहले इसको कट कर लिया है। साइड से हम इसको इस तरह से ये जितने भी एक्स्ट्रा मैदा इसमें है अभी उसको हम निकाल लेंगे। देखिए एक्स्ट्रा मैदा निकाल के इस तरह से ये गोल गोल पीसेस हो गए हैं। अब हम इनको यूं इस तरह से एक पीस उठाएंगे, यूं हम इसको करेंगे, हमें ऊपर से प्रेस नहीं करना है इसको, यूं करके फोल्ड करके फिर हम एक साथ यूं लेके और इसको बस यहाँ पे साइड से इस तरह से प्रेस कर देंगे। देखिए दोनों साइड से ये इस तरह से ये फूल जाएंगी। अभी देखिए मैं दूसरी भी बनाती हूँ। फिर से एक पीस हमने यूं लिया, इसको यूं करके हमने किया, बिल्कुल भी हमें ऊपर प्रेस नहीं करना है, ध्यान रखना है। और साइड से ये देखिए कॉर्नर लेते हुए इस तरह से बिल्कुल हम यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे। और ये देखिए दोनों तरफ आप देख रहे होंगे मैंने इस तरह से मिलाया हुआ है, और हल्का सा यहाँ पे हम इस तरह से प्रेस कर देंगे। और ये देखिए इस तरह से दोनों तरफ साइड से ये फूल जाएंगी। एक पीस और मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिए इस तरह से फोल्ड किया हमने और साइड से लेते हुए इसको यहाँ पे दोनों साइड से प्रेस कर देंगे। और देखिए इस तरह से ये इधर और इधर दोनों साइड से फूल जाएगी। देखिए गल्फियां बना के हमने रेडी कर ली है और ऑयल भी गर्म हो गया है। इसमें एक एक करके हम ये डालेंगे और इनको अच्छे से तलेंगे। देखिए एक एक करके हम डालेंगे। हमें ध्यान रखना है ऑयल बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम इसमें एक बार में जितनी आ जाएंगी उतनी डाल के हम तल लेंगे। देखिए हमने इसमें जो गल्फियां डाली थी ये अच्छे से तल गई है, बिल्कुल बढ़िया गोल्डन कलर आ गया है। अब हम गैस को थोड़ा सा धीमा करके इनको पहले एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से जितनी भी गल्फियां हमने बना के रखी हुई हैं पहले हम उनको तल लेंगे। देखिए पहले गल्फियों को हमने अच्छे से तल के रख लिया है। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया एकदम रेडी हो गई है तल के। अब हम इनको चाशनी में डालेंगे। तो इधर हमने, क्योंकि चाशनी ठंडी हो गई थी एकदम, चाशनी ठंडी हो गई थी, तो अब ये देखिए इसको हमने गैस पर रख दिया था, थोड़ा गर्म हो गई है। अब हम गैस बंद करके और ये जो जितनी गल्फियां हमने बना के रखी हैं ये हम इसमें डालेंगे। पहले थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें सारी ये डाल देंगे। देखिए इसमें डालने के बाद में इस तरह से इसको हम अच्छे से मिलाते रहेंगे पहले, ताकि जितनी भी ये सब गल्फियां हैं सब में चाशनी जो है बिल्कुल अच्छे से कोटिंग हो जाए सब में। देखिए पूरा हम इसको बराबर चला रहे हैं।
धीरे धीरे आप देखेंगे चाशनी भी नीचे जितनी आपको अभी लग रहा है ये सब इसमें सब एब्जॉर्ब कर लेंगी जितनी भी गलतियां इसमें डाली है हमने। और अगर आपको ये आप बिल्कुल चाहते हैं ये बिल्कुल हल्की सी इसमें मिठास आए तो आप इसको 2-3 मिनट इसमें चाशनी में डालने के बाद आप इसको अलग निकाल सकते हैं तो ये बिल्कुल हल्की सी मीठी रहेंगी। और अगर आपको पसंद है कि चाशनी की बहुत अच्छी सी कोटिंग हो जाए इस पे तो आप इसमें डाल के रखें। ये देखिए फ्रेंड्स होली स्पेशल गल्फियां रेडी हो गई हैं। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। होली स्पेशल में हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।